दोस्तों नोकिया के लेटेस्ट स्मार्ट टीवीज हो चुके हैं लॉन्च और यहाँ पर हो सकता है कि इन टीवीज के प्राइस टैग देखकर आपके होश उड़ जाएं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए और आज की हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको सारी सही जानकारी का पता चल जाए। तो दोस्तों आज नोकिया ने अपने 3 नए स्मार्ट टीवी मॉडल्स इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें से 32 इंच मॉडल आता है HD रेडी रिजोल्यूशन के साथ और 50 और 55 इंच मॉडल आते हैं अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों फ्लिपकार्ट पर इन टीवीज का प्राइस है अराउंड 20,000 रुपीज, 55,000 रुपीज और 60,000 रुपीज, जो कि वो प्राइस है जो कि सिर्फ दिखाने के लिए कंपनीज यूज करती है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि नोकिया के पुराने 55 इंच वेरिएंट का प्राइस टैग यहां पर 70,999 का दिखा रहा है और वही 43 इंच वेरिएंट का प्राइस अराउंड 52,999 दिखा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन टीवीज का एक्चुअल प्राइस काफी कम है एंड इट्स ऑलमोस्ट 40% लेस। तो ऐसा ही कुछ इन न्यूली लॉन्च मॉडल के साथ भी होने वाला है। तो इन नोकिया टीवीज का एक्चुअल प्राइस होगा अराउंड 13,000 फॉर द 32 इंच वेरियंट, 35,000 फॉर 50 इंच वेरियंट एंड 42,000 फॉर 55 इंच वेरिएंट। और दोस्तों इन टीवीज का एग्जैक्ट प्राइस पता चलेगा हमें 15th ऑफ अक्टूबर के दिन, जब ये पहले सेल के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब हम एक नजर इन टीवीज की स्पेसिफिकेशन पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों ही वेरिएंट्स में काफी थिन बेजल्स और प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक स्टैंड मिलने वाला है। और अगर हम बात करें पैनल की, तो इस बार नोकिया ने अपने ADS पैनल का यूज यहाँ पर नहीं किया है, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एक ADS पैनल में आपको काफी अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते थे और यही खास बात इन नोकिया टीवीज की भी हुआ करती थी। पर इस बार यहाँ पर आपको 8-bit FRC VA D-LED पैनल देखने को मिलेगा विद सपोर्ट 60Hz ऑफ रिफ्रेश रेट। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको 32 इंच वेरिएंट में 325 nits तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन 50 इंच में आपको सिर्फ 380 nits तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी और वहीं 55 इंच वेरिएंट में आपको 420 nits तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 32 इंच और 55 इंच वेरिएंट में काफी अच्छी ब्राइटनेस दी गई है, लेकिन अगर 50 इंच वेरिएंट में भी आपको 420 nits तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलती तो काफी अच्छा होता। इसके अलावा दोस्तों पिक्चर क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए यहाँ पर आपको तीनों ही वेरिएंट में प्रॉन्टो फोकल AI पिक्चर इंजन का सपोर्ट देखने को मिलेगा अलोंग विद माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी। और वहीं 50 और 55 इंच वेरिएंट में आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच इज अ डिसेंट कॉन्फिगरेशन। लेकिन यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिसिंग है, जो कि अगर होता तो अगेन काफी अच्छा होता। साथ ही दोस्तों ये सारे टीवीज आएंगे एंड्रॉइड 9 OS के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, विच विल सपोर्ट गूगल वॉइस असिस्टेंट एंड क्रोमकास्ट। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं इन टीवीज के मेन और सबसे यूनिक फीचर पर, जो कि है ऑडियो सिस्टम का। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पर आपको ऑनक्यो के क्वाट्रो X स्पीकर सिस्टम देखने को मिलेंगे विद डॉल्बी ऑडियोज एंड IMAX एनहांस 6D साउंड। और यहाँ पर आपको 32 इंच वेरिएंट में 39 वॉट्स का मैक्सिमम साउंड आउटपुट देखने को मिलेगा और वहीं 50 और 55 इंच वेरिएंट में आपको 48 वॉट्स तक का साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, विच इज ह्यूज एंड यूनिक एज कम्पेयर टू ऑल द ब्रांड्स इन द मार्केट। तो एज यूजुअल नोकिया ने यहाँ पर हर बार की तरह ऑडियो सिस्टम पर काफी अच्छा काम किया है और यहाँ पर काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट भी दिया है। इसके अलावा दोस्तों जहाँ तक बात है बाकी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर 32 इंच वेरिएंट में आपको कॉर्टेक्स A53 CPU और माली 470 MP3 GPU का सपोर्ट देखने को मिलेगा अलोंग विद 1.5 GB रैम एंड 8 GB स्टोरेज, जिसमें से आपके यूज के लिए ऑलमोस्ट 5 GB स्पेस अवेलेबल होगी। और वहीं 50 और 55 इंच वेरिएंट में आपको कॉर्टेक्स A55 CPU और माली 470 MP3 GPU का सपोर्ट देखने को मिलेगा अलोंग विद 2 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज, जिसमें से आपके यूज के लिए ऑलमोस्ट 11 GB स्पेस अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर आपको अगेन काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द मार्केट। और जहाँ तक बात है कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, ब्लूटूथ 5.0 और सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सिंगल बैंड वाईफाई का सपोर्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन यहाँ पर नोकिया ने पहली बार हेडफोन जैक दिया है, जो कि पिछले मॉडल्स में मिसिंग था। तो दोस्तों अंत में अगर हम यहाँ पर एक नजर डालें इन टीवीज के प्रोज और कॉन्स पर, तो यहाँ पर 32 इंच वेरिएंट में आपको पिक्चर इंजन और माइक्रो डिमिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा अलोंग विद ग्रेट ऑडियो, जो कि इस टीवी को वन ऑफ द बेस्ट पिक इन 32 इंचेस बना देता है। और वहीं 50 और 55 इंच वेरिएंट में आपको ग्रेट ऑडियो अलोंग विद डिसेंट प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज देखने को मिलेगी। लेकिन कॉन्स में यहाँ पर आपको लो मैक्सिमम ब्राइटनेस इन 50 इंच वेरिएंट एंड नो डॉल्बी विजन सपोर्ट एंड सिंगल बैंड वाईफाई आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इन नोकिया टीवीज के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा आज की इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।